पर्सनल प्रोटेक्टिव किट के साथ में आपको केवल ये नहीं है ये पहन ली तो सब कुछ हो गया, इसके साथ में हमारे डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ को नॉर्मल हाइजीन भी मेंटेन करनी है, उनको बहुत ध्यान रखना है, ग्लव्स पहनने से पहले बड़े अच्छे से उसको धोएं, जब इसको डिस्पोज ऑफ करें तब हैंड हाइजीन को मेंटेन करें, पेशेंट से एक मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। पर्सनल प्रोटेक्शन किट के अलावा भी जो भी हमने प्रिकॉशंस लेनी है वो सब लेनी जरूरी है। पूरी कंप्लीट पीपीई की हमारे को आवश्यकता नहीं होती है, ये केवल उन्हीं केसेस में हमारे को आवश्यकता होती है जो कि आईसीयू में है या इंटेंसिव केयर में हम जिनकी केयर कर रहे हैं, जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए आवश्यकता हमारे को पड़ती है। मैं ये भी कहूंगा कि मास्क और ग्लव्स की अवेलेबिलिटी भी अभी ठीक है, अगर पब्लिक ये जागरूक हो जाए कि वो बिना बात के जो है ये इस्तेमाल ना करें, या इवन पीपीई भी मेडिकल स्टाफ वगैरह जो है वो जुडिशियसली इस्तेमाल करें, जिसको ज़रूरत है वो ही इस्तेमाल करें, इवन मास्क भी जो है जुडिशियसली इस्तेमाल हो, इसी तरह से ग्लव्स भी जो है जुडिशियसली इस्तेमाल हो, सूझबूझ से इस्तेमाल हो, जिसको ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करें और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको कमी ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे लिए नज़र में रखनी ज़रूरी है।